श्री क्षत्रिय युवक संघ ने राणा पूंजाजी सोलंकी की जयंती का किया आयोजन। में भी महादेव मंदिर परिसर में किया इतिहास का गहन अध्ययन और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हुए इससे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाता है उसके लिए प्रेरणा स्रोत बंद हो जाते हैं। क्षत्रिय समाज का देने और त्याग करने का भाव रहा है। जब से इस भाव में न्यूनता आई तभी से पतनोन्मुखी कार्य होने लगे हैं। यदि हम महापुरुषों का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा इतिहास कोई नहीं बदल पाएगा। क्षत्रिय कुम रत्न गर्भ आ रही है। त्याग, सहिष्णु, बलिदान और ईश्वरीय भाव के साथ हमने मानवीय विशेषताएं हमने स्थापित की, जिसकी सीमा रेखा को आज तक कोई पार नहीं कर सका। क्षत्रिय क्षय से दान करने वाला होता है तथा साधुजनों का रक्षण करता है। हम जैसे वातावरण में रहेंगे उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। क्षत्रिय युवक संघ गीता के अनुसार अभ्यास और वैराग्य का पाठ पढ़ाते हुए उसे जीवन में ढालने की शिक्षा देता है। संस्थापक तन सिंह जी द्वारा स्थापित संघ माताओं द्वारा इलान देने अपनी की शिक्षा देने का काम करता है। युवाओं को सद्मार्ग बताता है कि शस्त्र चलाने से पूर्व शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये बात मलविकला के महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित राणा पूंजाजी सोलंकी के जयंती समारोह में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेनांकावास ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कही। जयंती कार्यक्रम का आगाज राणा पूंजावतन सिंह जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुआ। उपस्थित क्षत्रिय समुदाय ने क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो प्रार्थना द्वारा समाज में पुष्प की भांति सौरभ देने वाला बनाने की परमात्मा से सामूहिक प्रार्थना की। पाली प्रांत प्रमुख मोहब्बत सिंह के ढींगाना संघ के हीरक जयंती वर्ष का परिचय देते हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। संभाग प्रमुख अर्जुन सिंह देलदरी ने पांडवा मेवाड़ के सोलंकी सिरदार और वहां के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए राणा पूंजा को भी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें साथ लेकर सौहार्द पूर्वक जोड़ने की बात कही। पूंजाजी के वंशज हुए भावुक दास राणा पूंजाजी के वंश परंपरा को आगे चलाने वाले उनके वंशज भंवर परीक्षित सिंह सोलंकी पांडवा ने अपने पूर्वजों का इतिहास बताते हुए पूंजाजी को भील बताने की राजनीति को लेकर सभी से परिचित करवाया तथा चल रहे तुष्टीकरण से सभी को परिचय प्रदान किया। पांडवा ने महाराणा प्रताप और जयवंताबाई को सोलंकी शासकों द्वारा किए गए सहयोग का विश्लेषण करते हुए क्षत्रिय समाज से वंश परंपरा और सभी से सहयोगी वातावरण की अपील की। उन्होंने भील राजपूत समुदाय की सौहार्द का अनुपम उदाहरण देते हुए इतिहास के लिए संघर्षरत रहने और अपने इतिहास से प्रमाणित होने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री से विभूषित राज्यसभा सांसद नारायण सिंह माणकलाव ने संघ प्रणाली की शिक्षा देते हुए स्वयं को संघ की पाठशाला से निकला हुआ स्वयं सेवक बताया। सभी से संघ की शिक्षा लेने की अपील करते हुए आज के समय की आवश्यकता तथा सामाजिक भाव की पीड़ा को शांत करने का अचूक तरीका संघ को बताया। जयंती कार्यक्रम को श्रवण सिंह, जितेंद्र सिंह, मगर तालाबीश्वर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संभागीय विस्तारक गणपत सिंह भवरानी ने किया। जयंती कार्यक्रम में नाथु सिंह मेवी कला, शक्ति सिंह छिलवाड़ा, महेश चंद्र सिंह रूपनगर व जब्बर सिंह चिपटिया सहित क्षत्रिय समाज की वसोलंकी पट्टे के गांवों से हजारों की संख्या में क्षत्रिय समुदाय उपस्थित था। महिला शक्ति की पूर्ण भागीदारी, राणा पूंजा जयंती में सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। क्षत्राणी रूपकन्वर मेवी कल्ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को इतिहास में महिलाओं द्वारा किए गए त्याग को याद करने की बात कही तथा समाज में पुरुष के साथ महिला की अहम भूमिका से सभी को परिचित करवाया। मातृशक्ति क्षत्रिय समाज के वीरता त्याग की प्रतिमूर्ति रही है तथा पथ पथ पर क्षत्रियों को शिक्षा देने का काम माताओं ने ही किया है। गणवेश में रहे स्वयं सेवक कार्यक्रम के दौरान श्री क्षत्रिय युवक संघ के स्वयं सेवक गणवेश में रहे तथा सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। स्वयं सेवकों ने साहित्य स्टॉल, सैनिटाइजर मास्क व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था तथा मंच सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। स्वागत सत्कार के बिना अनोखा कार्यक्रम श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनोखे कार्यक्रम को देखकर सभी प्रफुल्लित थे। बिना किसी औपचारिकता के किसी प्रकार का मंच माल्यार्पण या स्वागत नहीं कर पारिवारिक भाव में समानता के साथ होने वाले इस कार्यक्रम को देखकर सभी ने संघ प्रणाली की प्रशंसा की।
बालकों और युवा पीढ़ी में संस्कारों के लिए संघ की महत्ता व आज की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में आवश्यकता बताई। इस अवसर पर मानवेंद्र सिंह बागोल, छैर सिंह, जसवंत सिंह, ओंकार सिंह बेवी, गजेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, प्रहलाद सिंह माठपुर, गोविंद सिंह, श्रवण सिंह, गणेश कंवर नीपल, प्रकाश कंवर माठपुर, समदर कंवर कोट सोलंकियान, रूप कंवर, रिंकू कंवर बेवी, निशा सोलंकी मगरतलाव सहित राजपूत समाज के गणमान्य पुरुष, महिलाएं तथा क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक